वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के फाइनल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। कितने स्क्रीन्स अभी तक डिसाइड हुए हैं इसके और कल ये फिल्म कितने की ओपनिंग लेने वाली है। वेल फ्रेंड्स, एक बार आपको बता दूं, कल मुंबई में यानी कि जो अदर पार्ट ऑफ मुंबई है यानी कि नॉट साउथ मुंबई गाइस, जो सबर्ब जिसे हम कहते हैं, वहां पर स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। जितने भी मीडिया वाले हैं सबको ये फिल्म दिखा दी गई है। इंडिया में कई जगहों पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनको भी ये फिल्म दिखा दी गई है और सबने काफी अच्छे रिव्यूज दिए फिल्म के लिए। फिल्म को एक भी आदमी ने खराब रिव्यू नहीं दिया। लेकिन गाइस, कल जो आम आदमी है, यस फ्रेंड्स, द मैंगो पीपल, जो अपने पैसा खर्चा करके जाएगा, कल वो असली फैसला सुनाएगा कि फिल्म अच्छी है नहीं अच्छी है। मैंने अपना वर्डिक्ट पहले से सुना दिया कि फिल्म जबरदस्त है, दो दिन पहले आपको मैंने कहा था, लेकिन मैं भी इसे कल आम जनता के साथ देखूंगा और कल ही अपना रिव्यू दूंगा। लेकिन गाइस, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, 3200 स्क्रीन्स इज द नंबर विच इज कमिंग आउट फॉर द स्क्रीन काउंट ऑफ ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30, जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब फाइनल स्क्रीन काउंट, जैसे आपको पता है, सुबह को 10:30 ही आएगा, एग्जीबिटर रिलीज करेगा, बताएगा फाइनली प्रोड्यूसर को, तब जाके फिगर आएगा। लेकिन फिलहाल 3200 स्क्रीन बहुत होते हैं, मैसिव स्क्रीन काउंट है 3200, जो कि तगड़ी ओपनिंग रखने के दम रखता है। लेकिन क्या एडवांस बुकिंग इतनी तगड़ी है कि कल मैजिकल ओपनिंग फिगर्स ले ले? वेल फ्रेंड्स, अगर इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ यानी कि जो आम जनता है उनकी वर्ड ऑफ माउथ इसके क्रिटिक्स के वर्ड ऑफ माउथ से मैच हुई, देन मेरा भाई सैटरडे से 20 करोड़ की कलेक्शन आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब कल सब निर्भर करता है इस फिल्म पर, जो जनता क्या बोलती है। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको बता दूं, एडवांस बुकिंग इस फिल्म की लगभग 4.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब बात करें एडवांस बुकिंग की गाइस, तो दिल्ली एनसीआर में 852 शोज, वेरी हेल्दी, वेरी स्ट्रांग, 55 फास्ट फिलिंग शोज एंड 3 फुल शोज, 12% की ऑक्यूपेंसी। ये फिल्म एडवांस बुकिंग नहीं लेगी, ये कल काउंटर पे बुकिंग लेगी। वॉक इन ऑडियंसेस जो रहती है वो इस फिल्म को देखने के लिए जाएगी। मुंबई में 908 शोज मिले हैं सुपर 30 को, इसमें से सिर्फ 10 फास्ट फिलिंग है और 2 शोज फुल हुए हैं इसके। पुणे में 330 शोज मिले हैं जहां पे ऑक्यूपेंसी सिर्फ 5% की है, कोई शो फुल नहीं है, 7 फास्ट फिलिंग है। बेंगलुरु में 312 शो मिले हैं इस फिल्म को, 21% वेरी डिसेंट ऑक्यूपेंसी, इसमें से गाइस फास्ट फिलिंग 18 और 4 शोज फुल है। हैदराबाद में इसे मिले 225 शोज, इसमें से 50% की ऑक्यूपेंसी है। फ्रेंड्स, यानी कि फास्ट फिलिंग है 63 शोज एंड वॉपिंग 14 हाउसफुल शोज, यानी कि हैदराबाद में कल ये फिल्म खतरनाक ओपनिंग लेगी। बात करें कोलकाता की, 280 शोज है, ऑक्यूपेंसी सिर्फ 4% की है, कोई फास्ट फिलिंग नहीं, कोई भी फुल नहीं है। अहमदाबाद में 308 शोज है, इसमें से 12% की ऑक्यूपेंसी है गाइस, फास्ट फिलिंग है 9 और 4 हाउसफुल शोज है। चेन्नई में ओनली 63 शोज हैव बीन गिवन, लेकिन वहां पे और शोज लगेंगे कल। ओके, कल जो तमिल फिल्म है उनकी स्क्रीनिंग का जो लिस्ट आई वहां पे सुपर 30 के तो शोज और ऐड होंगे, चेन्नई का हमेशा ऐसे रहता है। और गाइस, 25% की ऑक्यूपेंसी है और 4 शोज फुल है वहां पर और ऑलमोस्ट 10 शोज फास्ट फिलिंग है। सो कल ऑब्वियसली सुपर 30 इज लुकिंग टू टेक अ 15 करोड़ रुपीज ओपनिंग। यस फ्रेंड्स, 15 करोड़ की ओपनिंग लेने के लिए तैयार है, ये मैं अभी का बोल रहा हूँ। ओके, कल मैंने पहले ही बोला, ऑडियंस रिव्यूज एंड द क्रिटिक्स रिव्यूज इफ दे मैच, 12 बजे का जो शो रहेगा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का, जो डिसाइड करेगा कि ये फिल्म बैंग करेगी या बैंग नहीं करेगी। ओके गाइस, उसके बाद ये जो 15 करोड़ ऊपर भी जा सकता है, अगर उल्टा हो तो नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल 15 करोड़ इज व्हाट आनंद कुमार एंड स्टूडेंट्स ऑफ सुपर 30 आर गोना क्रैक टुमारो। कल मिलेंगे इस फिल्म के रिव्यू के साथ। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कबीर सिंह ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट इज कमिंग अप, साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, सर, स्टे कूल मैन।